नमस्कार. तेज आणि फास्ट बातम्यांसाठी एकदा परत मी अंजली कदम 24 तास मध्ये उभी आहे. तुम्ही दोन्ही भाषेमध्ये आम्हाला यासाठी ती फिल्म करायची की एक तर निर्मात्यांची इच्छा आहे की आपण दोन भाषेमध्ये करावं आणि त्यांच्या पॉईंटने असं आहे की ही फिल्म दोन भाषेमध्ये केली तर त्यांना प्रोडक्शन टीमनं सांगितलेलं आहे की दोन भाषेमध्ये केलं तर थोडंसं बजेटमध्ये तुम्हाला हे मिळेल आणि दोन भाषेचा निर्माता शेवटी जागला पाहिजे म्हणून दोन भाषेमध्ये त्यांना ती करायची अशी त्यांची इच्छा आहे. लँग्वेज प्री ओरिएंटेड फिल्म आहे और इसमें उसके साथ निभाने वाला कोई कैरेक्टर होता है जो हीरो कहलाता है. दरअसल कहा जाता है कि किसी भी सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत होती है, तो यहाँ पे सक्सेसफुल औरत के पीछे एक आदमी होता है, तो वो किरदार मैं निभा रहा हूँ, उसमें कैरेक्टर कर रहा हूँ. और फिल्म के बारे में अगर कहा जाए तो डायरेक्टर जो है डॉक्टर सर निकम सर, बहुत ही उन्होंने एक बढ़िया फिल्म बनाई थी कोपा, मराठी में काफ़ी चली वो फिल्म और इट वाज ऑफबीट फिल्म, कुछ अलग थी और कमर्शियल एलिमेंट भी उसमें था बहुत. तो ऐसे जिस डायरेक्टर की स्क्रिप्ट पे कमांड हो, ऐसे कुछ गिने चुने ही डायरेक्टर हैं, तो उनमें से सुधीर सर अपने हैं और उनके साथ काम करने का इस फिल्म के साथ मुझे मौका मिल रहा है. तो मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ और मेरी फ्रेंड वृशाली इसमें लीड रोल कर रही है, तो एक बहुत ही अच्छा हेल्दी जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए सेट पे, वो आर्टिस्ट द्वारा या डायरेक्शन टेक्नीशियन टीम द्वारा होता है वो. तो इतनी अच्छी टीम है और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं मंजर, फर्स्ट टाइम वो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं मराठी और हिंदी में, दोनों लैंग्वेज में कर रहे हैं. तो एक सीन मराठी में होने के बाद नेक्स्ट टेक जो होने वाला है वो हिंदी में होने वाला है. तो मेरे ख्याल से वो जो डबिंग का जो बाद में जो प्रॉब्लम हो जाता है कि डब करने के बाद उतना मज़ा नहीं आता जितना कि हम लोग डायरेक्ट सिंक करें तो उसमें मज़ा आता है. तो मेरे ख्याल से ये कुछ अलग अटेम्प्ट हो रहा है. मेरे ख्याल से लालबाग परड़, ये जो फिल्म महेश मांजरेकर उन्होंने डायरेक्ट की थी, उसके बाद ऐसे बायर लैंग्वेज में होने वाली दूसरी फिल्म रहेगी ये. और बीड़ के जो प्रोड्यूसर हैं, काफ़ी लोग वहाँ से आए हैं आज तक मराठी में, जितने अभी मकरन अनासपुरे है, मनीष देसाई है, सुधीर सर है अभी ये प्रोड्यूसर, और हमारे जो सिंगर जो है गणेश जी, वो काफ़ी टीम वहाँ से आ चुकी है. तो मेरे ख्याल से बहुत टैलेंट है वहाँ पे. तो उस टैलेंट को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना, ना कि एस्टैब्लिश प्रोड्यूसर का काम है, तो ये नए प्रोड्यूसर जो है वो भी करना चाहते हैं और उसके साथ साथ वो अपने आप को भी प्रूव करना चाहते हैं, मैं भी हम लोग भी कुछ कम नहीं है. मेरे ख्याल से एक बढ़िया फिल्म होने वाली है, तो ये लोगों का अभी प्यार चाहिए आगे शूट होने के बाद, रिलीज होने के बाद. और मेरे ख्याल से ये अभी सूर्य सर ने कहा कि बहुत ही टेक्निकली साउंड होने वाली है, VFX काफ़ी कम फिल्मों में देखा जाता है, ज़्यादातर मराठी में बहुत ही कम दिखाया जाता है, तो ये वेरी टेक्निकली साउंड फिल्म होने वाली है. मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया फिल्म होने वाली है, तो उसका एक पार्ट होना बहुत ज़रूरी होता है हर एक आर्टिस्ट के लिए. तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि इस फिल्म का मैं पार्ट हूँ. गोविंद सर की स्टोरी है तो मुझे वो अच्छी लगी कि वो सामाजिक है, जो अभी लड़कियों पे जो अत्याचार हो रहे ना, इसके लिए वो अच्छी है, सेल्फ डिफेंस होने चाहिए ना वो. चल हा चित्रपट करणार आहोत मराठीमध्ये आणि हिंदीमध्ये. सध्या मी एक हिंदी चित्रपट ऑलरेडी करते, तेव्हा सरांनी ज्यावेळी मला स्क्रिप्ट सांगितली की आपल्याला हाही सिनेमा दोन भाषेत करायचा, त्यामुळे मी खूपच खरंच खुश झाले की मला दोन सिनेमांचा भाग व्हायला मिळेल. आणि स्क्रिप्ट खरंच खूप सुंदर आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वुमन ओरिएंटेड स्क्रिप्ट करायला मिळणं. कारण याआधी मी सिनेमे केले आहेत, बरेच सिनेमे केले आहेत, पण त्यामध्ये तितकासा स्त्री ओरिएंटेड असलेला सिनेमा मला आजपर्यंत करायला मिळाला नाही आहे. आणि यातनं मला असं वाटतं की मला करायसाठी बऱ्याचशा शेड्स, जसं मला वन लाईन माहिती आहे फिल्मची, मी ती रिव्हील नाही करणार आहे, पण त्यातनं जे काय शेड्स मला प्ले करायला मिळणार आहे, मला वाटतं की आजचं माझं हे रूप बघितल्यानंतर तुम्ही ज्यावेळी फिल्ममध्ये मला बघाल, त्यावेळी ज्यावेळी आपलं नेक्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स होईल, त्यावेळी तुम्ही नक्कीच सगळेजणं
बोलणार की यस काहीतरी वृषालीने स्वतःसाठी एक चॅलेंज ओढून घेतलंय आणि मी सरांवर विश्वास ठेवते की त्यांनी जो विचार केलाय तो मी करण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करेन. बहुत अच्छी फिल्म जो रेप के अगेंस्ट और सेक्स हरासमेंट में जो अभी इंडिया में लेटेस्ट जो चल रहा है जो केसेस आ रहे हैं. लास्ट ईयर में 24,000 केसेस अक्रॉस द इंडिया रजिस्टर हुए हैं एज अ पुलिस स्टेशन में वगैरह, बट उससे भी ज़्यादा केसेस इंडिया में ना रजिस्टर होते हैं ना उनको न्याय मिलता है. ऐसी ये कहानी, ऐसे केस के इर्द गिर्द घूमने वाली ये कहानी है. बहुत ही अच्छी स्टोरी है. आई एम थैंकफुली मूले सर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं और मैंने इसकी कॉन्सेप्ट मेरी है. सुधीर सर, डायरेक्टर सुधीर सर इसे डायरेक्ट करेंगे. वेरी नाइस, आई फील प्राउड. थैंक यू सो मच मीडिया एंड थैंक यू सो फॉर ऑल ऑफ यू. जो भी होता है एक तो लिटरेचर से आता है या रियल एक्सपीरियंस से आता है. ये तो करंट लेटेस्ट अभी जो चल रहा है हमारे सराउंडिंग में इंडिया में. अक्षय कुमार जी भी लास्ट टाइम बोले थे कि सेल्फी पे कि क्या होना चाहिए लेडीज़ के लिए, लेडीज़ का जो सेक्स हरासमेंट हो रहा है जो उन्हें इतना निगलेक्ट और इतना ये किया जा रहा है उसके बारे में. तो उसी से मेरे दिमाग में वो आइडिया आया कि यार ये जो 24,000 केसेस जो है वो तो रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन रेदर देन दैट बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो रिकॉर्ड नहीं होते, उन्हें न्याय नहीं मिलता, वो समाज के में ऐसे दबे रहते हैं. तो मुझे उससे एक आइडिया आया कि चलो यार इस पर फोकस करते हैं. दिस यू आर लुकिंग दिस, एक्चुअली ये एक कॉन्सेप्ट है आर्ट. इसमें क्या है ना, देवी आपने ये देखा होगा, काली माता जब रुद्र अवतार मतलब औरत जब अपना अवतार बदल देती है और एक खौफनाक हो जाती है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट कि औरत अपनी ताकत अधिशक्ति मतलब पहली हिम्मत ताकत, तो वो अगर खोल के अगर उभर के आ जाएगी ना तो मर्द की हिम्मत नहीं होगी औरत को टच करने की. यही इस मूवी का मैसेज होगा. सेल्फ डिफेंस पे ये डिपेंड करेगी, सेल्फ डिफेंस, हाउ टू सेल्फ डिफेंस. तो थैंक यू सर.